हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज़ लेक्चर नंबर फिफ्टीन फॉर इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस हैं आई आर डी ए आई के वो शुरू किए थे उस लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि कुछ मैंडेटरी कमिटीज़ हैं जो गाइडलाइंस में आई आर डी आई ने बोला है कि ये कमिटीज़ तो बोर्ड को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के उनको ये कमिटीज फॉर्म करनी ही करनी है ठीक है तो इन मैंडेटरी कमिटीज में वेरियस कमिटीज हमने देखी थी आज हम उनमें से दो इम्पॉर्टेंट कमिटीज को जो है वो डिस्कस करेंगे ठीक है एंड बिफोर गोइंग इन टू द डिस्कशन ऑफ़ द कमिटीज़ एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स और यूट्यूब uh, की पी डी एफ फाइल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो कॉम्बो कोर्स के अंदर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस सोशल सिक्योरिटी गैप के एम सी क्यूज मिलते हैं तीन टेस्ट इंश्योरेंस के भी हैं इसके अंदर थर्टी थर्टी क्वेश्चन के एंड ऑल्सो uh, यहाँ पर आपको पी uh, डी एफ फाइल्स भी मिल जाती हैं यूट्यूब लेक्चर्स की तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है यू पी एस सी ई पी एफ कोड यूज़ करेंगे तो फिफ्टी परसेंट ऑफ आपको उसके अंदर मिलता है तो ऑडिट कमेटी और इन्वेस्टमेंट कमेटी ये दो कमिटीज हमने डिस्कस करनी है काफी इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली पेपर के अंदर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से तो ऑडिट कमेटी की अगर हम बात करें तो देखो जी कंपनीज एक्ट में ही एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 177 तो ये सेक्शन है सच आपको uh, याद करने की uh, जरूरत नहीं है सेक्शन uh, नहीं याद करना है हमने लेकिन हमको ये याद होना चाहिए कि ये मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक ऑडिट कमिटी फॉर्म करनी होगी हर इंश्योरेंस कंपनी को और ऑडिट कमिटी का बेसिकली काम क्या होगा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है कैश फ्लो की स्टेटमेंट हो गई ठीक है एंड ये सारी रिपोर्ट्स को ये एनालाइज करेंगे जो भी एनुअल और क्वार्टरली बेसिस के अंदर रिपोर्ट्स जो हैं वो रिलीज होती हैं ओके okay? साथ ही साथ ये प्रोसीजर और प्रोसेस को इस्टेब्लिश करेंगे सेटअप करेंगे ताकि एक प्रॉपर चेक एंड कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सके ताकि फाइनेंसेस के अंदर किसी भी तरह का फ्रॉड या करप्ट या मैल प्रैक्टिसेस का जो है चांस ना बचे तो वो प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस इस्टेब्लिश करने में भी ऑडिट कमेटी हेल्प करेगी अब गाइडलाइंस के अंदर आईआरडीएआई क्या बोलता है कि ये जो ऑडिट कमिटी है ना इसका जो चेयरपर्सन होगा वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए ठीक है ऑडिट कमिटी का चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अकाउंटिंग फाइनेंस या ऑडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए सी भी हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है या स्ट्रॉग फाइनेंशियल एनालिसिस का बैकग्राउंड होना चाहिए तो कंपल्सरी नहीं है कि सी ही हो लेकिन बैकग्राउंड इसका फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस एरिया के अंदर ओके okay? और सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी का सीईओ है उसका जो एसोसिएशन है ऑडिट कमेटी के साथ वो बहुत लिमिटेड रहेगा ठीक है ऑडिट कमेटी के साथ उसका रिलेशनशिप सिर्फ वहां पे रहेगा जब ऑडिट कमेटी को, को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो सीईओ से कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो सिर्फ उतनी रिलेशनशिप उनका रहेगा नहीं तो सीईओ का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ऑडिट कमेटी के अंदर नहीं रहेगा ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था ठीक है कि नो सिंगल पर्सन शुड बी होल्डिंग टू पोस्ट तो जो एग्जीक्यूटिव के अंदर है वो ऑडिट के अंदर नहीं आएगा तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था ओके नाउ ऑडिट कमिटी से रिलेटेड अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि मिनिमम तीन डायरेक्टर होने चाहिए एंड इन तीन में से मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए तो मिनिमम तीन मेम्बर इसके अंदर होने चाहिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग है उसको भी ऑडिट कमिटी देखेगी और उसकी भी रिपोर्ट्स को एनालाइज uh, करेगी रिव्यू करेगी साथ ही साथ प्रोग्रेस देखेगी जो भी इेग हाईलाइट हुई हैं उन इेगुलैरिटीज़ को फर्दर हाईलाइट करने के बाद ये देखा जाएगा कि उनको सॉल्व करने के लिए कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है जो डेफिशिएंसीज uh, मिली हैं उन डेफिशिएंसीज को रिजोल्व करने के लिए कोई एफर्ट्स किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं ठीक है साथ ही साथ ऑडिट कमिटी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रिकमेंडेशन दे रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन परफॉर्मेंस एंड ओवरसाइट ऑफ द वर्क ऑफ ऑडिटर्स अब देखो ऑडिट कमिटी को आप कंफ्यूज मत कर जाना कि ऑडिट कमिटी इज ऑडिटर ऑडिटर तो कंपनी का अलग होता है जो अल्टीमेटली ऑडिट करेगा ऑडिट कमिटी इज अ डिफरेंट थिंग ऑडिट कमिटी का जो मेन काम है वो सर्वेलेंस का है ठीक है ये यहां पर कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए ऑडिट कमेटी नहीं बैठी है वो तो ऑडिटर करेंगे उसमें आपके इंटरनल ऑडिटर भी आ जाते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी आ जाते हैं जो बेसिकली बाय लॉ जो आपको ऑडिटर अपॉइंट करने होते हैं जो आउटसाइड द कंपनी आप अपॉइंट करते हो इंटरनल ऑडिटर तो क्या होते हैं वो तो एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है प्रॉब्लम्स को चेक करने का स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है जो आप बाहर से ऑडिटर्स को हायर करते हो फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द लॉ ठीक है ना तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इन सब की जो भी अपॉइंटमेंट होनी है रेमुनरेशन कितनी रखनी है परफॉर्मेंस और इनके काम के ऊपर पूरा ओवरसाइट रखना वो

ऑडिट कमेटी ये इंश्योर करेगी अब देखो अपॉइंटमेंट रेम्यून रिमूवल तो, वैसे तो का में होता है, देखेगी कि क्या ऑडिट अप करती है जिसको शेयर होल्डर्स के सामने फिर रखा जाता है right. उसके अलावा जी प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर वेरियस इशूज जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे करना है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स जो है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं ठीक है चाहे ऑडिटर ने उनको रेज़ किया है या किसी दूसरे पर्सन ने उनको रेज़ किया तो जो भी इनके सामने आएंगे उनको ये प्रॉपर कंसिड्रेशन प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ स्टैटूटरी ऑडिटर्स के साथ ऑडिट कमेटी डिस्कस करेगी वेरियस इश्यूज कि भाई ऑडिट का क्या मोटिव है क्या स्कोप होना चाहिए ठीक है जी और पोस्ट ऑडिट डिस्कशंस भी होंगी ऑडिटर के साथ जिसमें ऑडिटर ऑडिट कमेटी को बताएगा जी हाँ जी ये हमें कमियाँ मिली हैं इनको ऐसे ऐसे ठीक किया जा सकता है तो ऑडिट कमेटी एक तरीके से इन सारी चीज़ों को ओवरऑल देखेगा उसके बाद जी ये ऑडिट कमिटी जो है इट आल्सो एक्ट एज़ अ कॉम्पलियंस कमिटी क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कॉम्प्लियंस कमेटी हम इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि एक तरीके से ये देख रही है कि जो कंपनी वे, के वेरियस पॉलिसीज़ हैं या कंपनी के जो रिस्क हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ठीक है एंड अल्टीमेटली वो इस सारी चीजों की मॉनिटरिंग करती है और डायरेक्टली फिर बोर्ड को रिपोर्ट करती है अगर कोई भी कॉम्प्लियस ब्रीच हो रहा है इसीलिए इसको कॉम्प्लियंस कमेटी भी बोला जाता है अब देखो डायरेक्टली अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले दैट अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ठीक है तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर तो डेफिनेटली आंसर आपका ऑडिट कमिटी हो जाएगा ओके नाउ इट मे बी एंश्योर दैट इंश्योरेंस कंपनीज कंप्लाई विद सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू प्रोवाइड एनी एडिशनल वर्क टू स्टैटरी ऑडिटर्स तो स्टेटुटरी ऑडिटर्स को आप कोई एडिशनल वर्क नहीं प्रोवाइड कर सकते फॉर एग्जांपल आप उसको ये नहीं बोल सकते चल तू तो हमारे अकाउंट्स भी मेंटेन कर दे उससे क्या होगा उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टेबलिश हो जाएगा कंपनी के साथ और इंडिपेंडेंस के अंदर हिंड्रेंस आएगी तो आप एडिशनल वर्क अगर देना भी है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनी होती हैं उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर के आप उसको किसी भी तरह का एडिशनल वर्क जो है वो नहीं दे सकते हो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट कमेटी तो नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा इन्वेस्टमेंट कमेटी अगेन ये मैंडेटरी कमेटी है ठीक है और इसके अंदर कम से कम दो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे एक आपका सीईओ इसका पार्ट होगा चीफ ऑफ फाइनेंस चीफ ऑफ इन्वेस्टमेंट चीफ रिस्क ऑफिसर और एक्चुअरी जो है कंपनी का वो इसके अंदर जो है मेंबर्स रहेंगे ओके और बेसिकली ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखेगी जो पैसा आ रहा है जो इंश्योर्ड लोग हैं जो आपको प्रीमियम का पैसा दे रहे हैं वो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना है ठीक है उसके लिए प्रॉपर ऑपरेशनल एक फ्रेमवर्क जो है वो ये इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाएगी और इसके लिए वो देखेगी कि प्रॉपर एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट हो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टर का पैसा है वो सेफ रहे ठीक है और जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी इन्वेस्टमेंट कमेटी ये देखेगी कि जो भी बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई है उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अच्छे से फॉलो जो है वो किया जा रहा है इस कमेटी के लोगों को ये देखना है कि उनको जो वेरियस एक्ट्स हैं रूल्स हैं रेगुलेशन हैं गाइडलाइंस हैं सर्कुलर्स हैं आई आर के उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टाइम टू टाइम अच्छा एक क्या होता है जनरली जब हम एज अ कॉमन मैन या एज अ इंडिविजुअल अगर मैं फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की क्रेडिट रिस्क या मार्केट रिस्क देख लेता हूँ ठीक है और उसके लिए मैं क्या करता हूँ क्रेडिट रेटिंग देखता हूँ क्रेडिट रेटिंग्स आती है ना कंपनी की वो देख लेता हूँ तो अल्टीमेटली वो तो एज ए इंडिविजुअल मैं देख रहा हूँ चलो क्रेडिट रेटिंग अगर गलत कहीं से देख भी ली और कुछ हो गया मेरा पैसा डूबेगा सोचो so, इन्वेस्टमेंट कंपनी अपना कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना सारा हज़ारों करोड़ रुपए का पैसा सिर्फ क्रेडिट रेटिंग के भरोसे इन्वेस्ट कर दे तो कितने लोगों को नुकसान होने का चांस हो जाएगा तो यहाँ पर आई आई अपनी गाइडलाइंस में क्या बोलते हैं कि कमिटी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रेटिंग देख करके खुश ना हो जाए किसी कंपनी की ठीक है उनका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस होना चाहिए प्रॉपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने आप से रिसर्च करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्रेडिट रेटिंग से इन्फ्लुएंस हो जाओ ठीक है एंड इफेक्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए जो भी इंटरनल uh, सिस्टम uh, है जहाँ से पैसा जा रहा है बाहर वहाँ पर प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए ताकि एक एक रुपये का जो है वो हिसाब रहे इंटरनल और जो भी इंटरनल ऑडिट मैकेनिजम्स है वो प्रॉपरली स्टेब्लिश होने चाहिए ताकि पैसे का पाई पाई का हिसाब रहे और कमिटी को एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर मिलना है ताकि जो वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन है उसको रिव्यू किया जा सके और फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है बोर्ड को सबमिट कर देगी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है प्रॉफिट में है लॉस में है या न्यूट्रल है ओके सो दीज आर द टू कमिटीज गाइज अभी हमने और भी कमिटीज डिस्कस करनी है सो आई विल ब्रिंगिंग दैट इन द अपकमिंग लेक्चर्स ओके सो कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इट इन टू द कमेंट सेक्शन एंड टेलीग्राम के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बैक